सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम बात करेंगे उपमा कथा 15 की, जो कि मिलिंद प्रश्न में है। इसका टॉपिक है नाव के तीन गुण। नाव जो नदी में चलती है, तालाब में चलती है, उसके तीन गुण। तो इसमें राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, आप कहते हैं कि एक भिक्षु को अर्हत बनने के लिए उसमें नाव के तीन गुण होने चाहिए, तो वो नाव के तीन गुण कौन से है जो कि एक भिक्षु में होने चाहिए, कृपया बताइए। तो तब भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद से कहते हैं कि महाराज, अनेक प्रकार की लकड़ियों को जोड़कर नाव तैयार की जाती है, जो बहुत लोगों को घाट के पार लगा देती है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को अपना आचरण, शील और व्रत के नियम आदि अनेक धर्मों को मिलाकर अपने इस जीवन को पार कर जाना चाहिए, अपने इस जीवन को भव सागर के पार लगा देना चाहिए। महाराज, नाव का यह पहला गुण है जो एक भिक्षु में होना चाहिए। तो ये पहला गुण भिक्षु नागसेन ने बताया। दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि महाराज, नाव गरजते हुए तरंगों और बड़े भंवर के वेग को सहती है, वैसे ही भोजन हिताय भोजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु को अनेक प्रकार के क्लेश, लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा, वंदना, दूसरे कुलों की निंदा या प्रशंसा, सुख दुख, सम्मान अपमान और भी अनेक प्रकार के दोषों को तरंगों के वेग को सह लेना चाहिए। महाराज, नाव का यह दूसरा गुण है जो एक भिक्षु में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण भिक्षु नागसेन बता रहे हैं। इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी किताब में जो लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। आगे तीसरा गुण बताते हुए भिक्षु नागसेन कहते हैं कि महाराज, नाव अतः समुद्र में तैरती है जो अनंत, अपार, गंभीर, गहरा, जोरों से गरजता हुआ और घड़ियाल और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा है। वैसे ही भोजन हिताय भोजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु ने चार आर्य सत्यों में अपने मन को लगाना चाहिए। महाराज, नाव का यह तीसरा गुण है जो कि एक भिक्षु में होना चाहिए। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए भिक्षु नागसेन आखिर में कोटेशन देते हैं। जो बात भिक्षु नागसेन ने कही उसके समर्थन में वो कोटेशन देते हैं और कहते हैं कि महाराज, संयुक्त निकाय के सत्य सूक्त में कहा गया है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं, वितर्क करते हुए तुम्हें यही वितर्क करना चाहिए कि यह दुख है, यह दुख का निदान है और यह दुख के निदान का मार्ग है। तो इस वीडियो में इतना ही जो हमने किताब में लिखा था उसे पढ़ा। अब अगले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो गुण बताए हैं उसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।